झांसी जिले के 8 ब्लॉक में अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन किए जा रहे हैं। इनमें बड़ा गांव ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रेखा यादव को नामांकन करने से रोकने के लिए भाजपा सपा ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, कुछ लोग लाठियां लिए हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी, इसके बावजूद वहाँ हंगामा होना ये बात किसी को हजम नहीं हुई। लगता था जैसे मानो भाजपाइयों के साथ पुलिस खड़ी है। इसके बावजूद सपाइयों ने संघर्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ब्लॉक कार्यालय में भेज दिया। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी का दावा है कि निष्पक्ष रूप से नामांकन कराया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। आपको बता दें कि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव, उनके पुत्र एवं अन्य परिजनों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पर्याप्त बनाया गया है, कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है।